धिमश्री में बेसहारा गौवंश लगातार किसानों की फसल को जा रहे हैं। लाचार किसानों ने गुरुवार को धिमश्री स्थित पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल में 70 से अधिक गौवंशों को बंद कर दिया और बंद गौवंशों की सूचना उपजिलाधिकारी फतेहाबाद को दी। फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे बेसहारा गौवंशों से परेशान किसानों का सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया। गुरुवार तड़के ही किसानों ने एकत्रित होकर धिमश्री में बनी पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल में 70 से अधिक गौवंशों को बंद कर दिया। बेसहारा गौवंशों की टंकी की बाउंड्री वॉल में बंद की सूचना उपजिलाधिकारी फतेहाबाद व खंड विकास अधिकारी फतेहाबाद को दी गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता रामनिवास रघुवंशी ने बताया कि किसान बेसहारा गौवंशों से बेहद परेशान है। परेशान किसानों द्वारा गौवंशों को पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल में बंद किया गया और मामले की सूचना उपजिलाधिकारी फतेहाबाद व खंड विकास अधिकारी फतेहाबाद को दी गई। रघुवंशी, देखिए, लगातार हम सरकार से और जनप्रतिनिधियों से कहते आ रहे हैं कि गौवंश इस समय किसान की फसल में बहुत नुकसान कर रहे हैं। उसी को देखते हुए यहाँ धिमश्री में किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए कल शाम से यहाँ ये पानी की टंकी है, यहाँ पर गौवंश को बंद कर दिया है। और हमने इस संबंध में BDO फतेहाबाद से बात की है कि इन गौवंशों को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि गौवंश को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन अब हमने इसी तरह किसान भाइयों ने गौवंश को पकड़ के रखा है कि अधिकारी देखे कहाँ ले जाते हैं इनको। तो सभी किसान भाई और हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन से कि इन गौवंशों को यहाँ से ले जाएं। उपजिलाधिकारी फतेहाबाद विजय शर्मा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दो मोटर वाहनों को भेजकर किसानों द्वारा पकड़े गए गौवंशों को गौशाला भिजवाया और किसानों को आश्वासन दिया गया कि सभी गौवंशों को जल्द से जल्द गौशाला में भिजवाया जाएगा। इस मौके पर भाकियू भानु के युवा जिलाध्यक्ष नरेंद्र जाधव ने, ग्राम प्रधान धनवान सिंह आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शमशाबाद से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट।